क्यों से पल्ली साइड को ताजमहल दिखता है और ये जहाँ पर कहाँ से आता है पानी? पानी दरिया में का मिल जाता है, मखाना का है का। बीच तो गाइस हम फाइनली आगरा फोर्ट में एंटर हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामने का एंट्रेंस कुछ ऐसा है और यहाँ से अंदर एंट्री होगी। 30 साल पुराना आगरा फोर्ट है, इसे जनरेशन बाय जनरेशन थर्ड मुगल बादशाह किंग अकबर ने बनाया था। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अकबर बादशाह की तीन बेगम थी, मरियम, सुल्ताना और जोधाबाई। तीनों से कोई बच्चे नहीं थे, जोधाबाई जी एक बच्चा हुआ था सलीम, जिनका नाम था जहांगीर। आपका जहांगीर की दो बीवियां थी, जहांगीर इज टू बाई जोधबाई और नूर जहां। तो ये आगरा फोर्ट का फ्रेंड है। अभी मैं आप लोग सबसे पहला जो आपने गेट देखा उसे बोलते हैं अमर सिंह राठौर गेट। दूसरा जो गेट देखेंगे उसे बोलते हैं वेलकम गेट। जब ये लोग आते थे तो ढोल तवाजे बजते थे, वेलकम होता था। तीसरा जो गेट देखेंगे उसे बोलते हैं किंग गेट। तो ये तीनों गेटों को पार करने का आपको ऊपर जाना है। सबसे पहले रेड कलर का बिल्डिंग आएगा उसे बोलते हैं जहांगीरी पैलेस। दूसरा बिल्डिंग आप लोग देखेंगे आराम खा, शाहजहां मुमताज का बेडरूम। तीसरा जो बिल्डिंग देखेंगे इम्पोर्टेड पैलेस जासमीन टावर। चौहारी का ये चौहारी क्रेमर बॉय, उसने अपने बाप को 8 साल के लिए बंदी बनाया। भाई शाहजहां का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया था, जहाँ से शाहजहां अपने ताजमहल को देखते थे एक डायमंड के जरिए, रानी विक्टोरिया फ्रॉम इंग्लैंड उससे देखा करते थे। और उसके बाद आप लोग देखेंगे दीवाने खास, दीवाने खास मीन्स खास प्राइवेट मीटिंग हॉल। उसके बाद देखेंगे दीवाने आम यानी कि पार्लियामेंट हाउस, जहाँ जनता के लिए कोर्ट लगा करता था। ये मैंने आपका टिकट मंगवा लिया है, ये देखिए 40 रुपीज और ये टैक्स 10 रुपीज इंक्लूड 50 रुपीज आगरा फोर्ट के लिए। तो गाइस ये रहा अपना टिकट, इसका प्राइस है ओनली 50 रुपीज। हमारी बेगम तो पहले ही पहुंच के बैठी। तो गाइस ये रहा फर्स्ट महल और ये है जहांगीर का महल। तो हम आपको यहाँ ले जाएंगे अभी और आपको दिखाएंगे जहांगीर महल, और यहाँ पे अकबरी महल भी है तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जहांगीर का स्नान कुंड, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा है और उस टाइम पे जहांगीर इसमें स्नान करते थे। और आप देख सकते हैं इसमें पौड़ियाँ लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, और ये अंदर से बहुत ही गहरा है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बची हुई, बाकी तो सारी यहाँ से अंग्रेज़ लूट के ले गए हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। गाइस अभी हम जहांगीर के महल में एंटर करने वाले हैं। ये है जहांगीर का महल, एक जैसे में एंटर करेंगे बाकी तो सब सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है उनका डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे वो सभी बैठकर खाना खाया करते थे। और जो आपको पीछे बैक साइड में दरवाज़ा दिख रहा है अभी तक जो अभी बंद है, वहाँ उनका किचन हुआ करता था। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है आपको ताजमहल, और पास में बह रही है जमुना नदी, और उस टाइम ये आगरा फोर्ट तक हुआ करती थी तो इसी रास्ते वो ताजमहल जाया करते थे। और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से 3 लेयर होती थी, और सबसे नीचे आप देख सकते हैं इसमें पूरा पानी भरा हुआ होता था, और उसके बाद 2nd लेयर में सैनिक रहते थे, और उसके पीछे खाई है उसमें जंगली जानवर होते थे जैसे बाघ वगैरह। तो क्यों से पल्ली साइड को ताजमहल दिखता है और ये यहाँ पर है, और कुछ ऐसा कैंपस है यहाँ का। ये रहा रोहित, आप देख सकते हैं शाहजहां की बेटी का महल, और शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था स्पेशल डोली के आकार का, आप देख सकते हैं। शाहजहां यहाँ पे बैठकर कर कबर देखा करता था, और जिसकी याद में उसने पूरा ताजमहल ही बनवा दिया। तो गाइस ये रहा शाहजहां का महल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर
चित्रकारी हुई है संगमर पर, और यहाँ पे सोने की पेंटिंग भी लगी हुई थी जिसे कि अब निकाला गया है यहाँ से, और कुछ एक टुकड़े रहे हैं सोने के। और यहीं पे औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद किया हुआ था और उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। तो ये रहा शाहजहाँ का महल और ये रहे उस टाइम के कमरे। शाहजहाँ दरबार लगाता था। कहाँ से आता है पानी? पानी दरिया में का मिल जाता है, कुआं खाना का है। बीच में जो है, बीच में दरिया में मिला हुआ है। कौन सी दरिया में? यमुना में? मतलब जमुना में। जमुना में सोन फूट गया ना, वही पानी कभी नहीं सूखेगा। जमुना से लाया जाता था पानी। तो गाइस यहाँ जमुना से पानी लाया जाता था और ये कुआं कभी नहीं सूखता था। तो यहाँ रोहित के दोस्त मद्रासी और ये अभी आ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जगह पे जाने का टाइम हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट। मनाली। अच्छा, मनाली में जाके आया था हम लोग। अच्छा, कब? अभी दिन पहले उधर था। अच्छा, मनाली कुल्लू। मनाली से बाहर जाऊँ बाहर कौन आया था? अच्छा अच्छा, गाड़ी में आओ बोल के। तो गाइस हमारा आगरा फोर्ट हो चुका है और काफी बड़ा किला है और हमारे को काफी मजा आया है और स्मृति की टाइम थक चुकी है और अभी हम वापिस जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन किस कदर लगी है। यहाँ से इस गेट को ऊपर उठाया जाता था और ताकि कोई अटैक ना हो। तो गाइस अब यहाँ पेठा शॉप है और ये है आगरा की फेमस पेठा शॉप। यहाँ प्योर पेठा मिलता है। कैसा कैसा कैसा? तो अभी यहाँ पे चेक करवा रहे हैं। ये कौन सा फ्लेवर है? थैंक यू, चॉकलेटी वाला एक नंबर। ले लिया है आगरा का मशहूर पेठा।